कहाँ से आइए उस समय शेजवल के साहब मेरे उम्र के थे और मैं बालक का उम्र का था। अब हम दोनों की उम्र भी निकल रही है पर पुरानी एक पुराना रिश्ता है इनके पूज्य पिताजी के समय से, मेरी दादी के समय से, मेरे पूज्य पिताजी के समय से। अभी मुझे बता रहे थे, मुझे दिया है कि जो जब मेरे पूज्य पिताजी ने जनसंघ की सदस्यता ली थी तब इनके पूज्य पिताजी ने लिखा था और अटल जी ने हस्ताक्षर किया था, उसका भी एक प्रतिलिपि मुझे दिया है। तो बहुत पुराना संबंध है हम लोग का। तुम लोग तो कब सुधरोगे यार, कब सुधरोगे यार, हर चीज में आपको राजनीति दिखती है। मानवता एक बार आपको दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक बात है ना शेरोगे साहब। हम दोनों ने मिलके आह्वान किया है हरदीप पुरी जी से जल्द ग्वालियर में नया एयरपोर्ट, नया टर्मिनल बने, मेरी दादी के नाम पर वो रखा गया है। शेजवलकर साहब और हम दोनों मिलकर उस पर कार्य कर रहे हैं। हमारा अनुमान है कि अगले 2-3 हफ्ते में एक टीम भी वहाँ से आएगी शेजवलकर साहब के सर्वे के लिए। हाँ, सर्वे के लिए आएंगे। शेजवलकर साहब स्वयं वहाँ देखेंगे, मैं भी देखूँगा, हम दोनों मिलकर डिज़ाइन साथ में देंगे। और मुंबई के लिए जो फ्लाइट भी, जो इनकी चेष्टा थी, मेरी चेष्टा थी, अगले 2-3 हफ्ते में वो फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी, तो फिर ग्वालियर की कनेक्टिविटी पूर्ण हो जाएगी।